में है जामा मस्जिद के इमाम साहब मोहम्मद मुस्तकीम साहब हमारे साथ है। रमज़ानुल मुबारक का पाक व मुकद्दस महीना, इस महीने में क्या ख़ास होता है? इस महीने में लोग रोज़ा रखते हैं, तिलावत करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, तरावी पढ़ते हैं। इस पूरे मसले पे बातचीत करेंगे जामा मस्जिद मधेपुरा के इमाम साहब से। बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए। रमज़ान का पाक व मुकद्दस महीना हम सबों करीब है, कैसे इस्तकबाल करें, कैसे खैर मकदम करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, रमज़ान मुबारक का मुबारक महीना आ गया है, आने ही वाला है और आप आ गए हैं, बहुत बढ़िया किए, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आपके ज़रिए से हम मुसलमानों के बताना चाहेंगे कि रमज़ान मुबारक महीना का वाकई में इस्तकबाल करना चाहिए। यह है कि रमज़ान मुबारक के महीने के रोज़े के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। इसमें ख़ास काम हर मुसलमान जानता है कि रमज़ान शरीफ आ गया है, रोज़ा रखना है, रात में तरावी पढ़ना है, ये तो हर कोई जानता है। रमज़ान शरीफ का रोज़ा रखना फ़र्ज़ है। अगर कोई मुसलमान रमज़ान शरीफ का रोज़ा का इनकार कर दे तो इस्लाम से वो निकल जाएगा, खारिज हो जाएगा। अगर कोई रोज़ा न रखे तो अल्लाह के यहाँ सख्त मुजरिम होगा, बहुत बड़ा सख्त गुनाहगार है। इसकी अहमियत इतनी है, अगर किसी ने रमज़ान शरीफ का एक भी रोज़ा जानबूझ के छोड़ दिया तो पूरा साल ज़िंदगी भर अगर वो रोज़ा रखता रहेगा तो जो रमज़ान की फजीलत बरकत है उसको हासिल नहीं हो सकता। लिहाजा हर मुसलमान को चाहिए कि जितना एहतमाम से हो सके उसको रखना चाहिए और अभी से अपना टाइम टेबल शेड्यूल निज़ामुल औक़ात ऐसा बना ले कि चलो रमज़ान का मुबारक महीना आ रहा है तो इसके लिए हम बिल्कुल तैयार रहें, एक रोज़ा हमारा मिस न हो, बल्कि रमज़ान शरीफ का एक सेकंड भी बिल्कुल हमारा बेकार ना जाए। तो रमज़ान में ख़ास काम तो ये है कि दिन में रोज़े रखने हैं, रात में तरावी पढ़ने, इसके अलावा भी जो खैर खैरात है, गमखारी का महीना है, सबर का महीना। ये नहीं कि भाई आज मैंने रोज़ा रखा, आज मुझे बहुत रोज़ा लग गया, मैं कल से रोज़ा नहीं रखूँगा, मेरी हालत ख़राब हो गई, मेरी बीमारी बढ़ गई, नहीं है। बल्कि हदीस में पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दिया भाई ये सबर का है और जो सबर करेगा अल्लाह उसे जन्नत देगा। लिहाजा मोहब्बत के साथ, खुशी के साथ, अल्लाह का हुक्म समझ करके इसको रोज़ा रखना चाहिए, सर का बोझ समझ के नहीं, है ना। खुशी खुशी जी, ये इबादत है, थोड़ी मेहनत होती है, मेहनत करनी चाहिए। और तरावी में थोड़ी दिक्कत होती है, लोग खड़े रहते हैं, उसमें भी लोग जो है उलझ जाते हैं, बिल्कुल सब्र से करना चाहिए, मोहब्बत से काम करना चाहिए, फिर रमज़ान का महीना ख़त्म हो जाएगा, फिर रमज़ान पूरे साल उसे नहीं मिलेंगे। लिहाजा एक काम तो ये करें और दूसरा काम ये करें कि आदमी इस महीने में अपने भाइयों के कसूरों को माफ़ करे, गलतियों को माफ़ करे। सालों साल हो गए बहन से मुलाकात नहीं हुई, बहन से बातचीत नहीं, मुद्दत हो गई, भाई से सलाम कलाम नहीं है, बल्कि गलत है। आपका दिल जितना साफ शफाफ होगा रमज़ान की बरकत है, इतनी ही दिल में इंशाअल्लाह जगह बनाएगी। वो मशहूर हदीस है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लंबा तो नहीं होगा आपका, फरमाया भाई एक जगह बैठे हुए थे अपने सहाबा के साथ, फरमाए भाई देखो यहाँ से एक जन्नती आदमी गुजरेगा। एक अंसारी साहबी निकल रहे थे, हाथ में जूता है और देहरी चारी चेहरे से उसका पानी, वजू का पानी टपक रहा है, चले गए। फिर थोड़ी दिन में अल्लाह के दोस्त ने फरमाया देखो यहाँ से एक जन्नती गुजरेगा। फिर वही साहबी गुजरे, दारे से वजू को पानी टपक रहा है, हाथ बाएँ हाथ में जूता पकड़े जा रहे हैं। तीसरे दिन में यही हुई तो एक साहबी हैं हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के साहब जाते, हज़रत अब्दुल्ला, अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सोचे कि कौन सा अमल ये साहबी करते हैं जिसकी विनय पे अल्लाह के रसूल ने तीन तीन दिन से कह रहे कि जन्नती है जन्नती, इसका अमल तो देखो क्या है। उनके साथ लग गए, कहे चाचा जान मेरा भाई से थोड़ा अनबन हो गया है, अब उससे बातचीत बंद हो गई है, हम आपके साथ कुछ कयाम कर लें। उनको कहा ठीक है रुक जाओ। वो ये सोच के रुके कि देखे कि रात में ये कौन सा अमल करते हैं जिसकी बरकत से अल्लाह के रसूल ने कहा कि जन्नती है जन्नती जन्नती है। तो वो चादर उड़ के सो गए और तकिया से चादर से यूं तर सर निकाल के देखते थे कि क्या काम करते हैं रात के अंधेरे में, रात के अंधेरे में, मगर ये कोई काम नहीं। फर्ज ईशा की नमाज, फर्ज नमाज पढ़ के आए और सो गए, सुबह उठे तहज्जुद पढ़े, फिर फजर की जमात पढ़ ली, दूसरा कोई अमल नहीं। एक रात किया, दो रात किया, तीन रात किया, तो उस अब्दुल्ला ने कहा कि मैं अब जा रहा हूँ, मेरे अब्बा से कोई झगड़ा लड़ाई नहीं है, मैं एक ख़ास वजह से एक चीज़ जानने आया था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन दिन आपके बारे में कहा ये जन्नती आदमी यहाँ से गुजरेगा और आप ही गुजरे, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी, तो मैं आपका अमल जानना चाहता था आपके अंदर कौन सा अमल है और कोई ख़ास अमल यहाँ आकर के मैंने देखा आपके लिए नहीं, लिहाजा मेरा मामला आसान हुआ, मैं जा रहा हूँ। तो अब्दुल्ला को बुलाया, कहा जा रहा हूँ,
कहा जो अमल देख रहे हो वही है मेरा कोई ख़ास अमल, कल एक अमल हो सकता है। सुनो, मैं सोता हूँ इस हाल में और दिन भी इस हाल में करता हूँ कि मेरे दिल में किसी मुसलमान के दिल को कीना नहीं होता, मेरा दिल मुसलमान के लिए बिल्कुल साफ शफाफ है, खुला हुआ है। खुला हुआ है, इसी हजरत अब्दुल्ला ने उसके गले लग गया, कहा यही अमल है जिसकी बरकत से अल्लाह के रसूल ने कहा कि आप जो है बहुत आसान अमल, दिल गुर्दे वाला काम है, अगर आदमी मुसलमान कर ले इस महीने में अपने भाइयों के लिए, अपने बहनों के लिए, अपने रिश्तेदारों के दिल को साफ कर लेवे तो अल्लाह ताला उसके दिलों को नूर से मुनव्वर कर देगा और रमज़ान की जो ख़ास बरकत है इंशाल्लाह उसका हासिल होगा। और रमज़ान में दिल साफ नहीं है, नमाज़ पढ़ रहे हैं दिल साफ नहीं है, कुरान की तिलावत कर रहे हैं दिल साफ नहीं है, इबादत कर रहे हैं तो आपको बेनिफिट से क्या मिलेगा। लिहाजा इस महीना में जिस तरह घरों में कचरा लग जाता है झाड़ू मारिए साफ़ हो जाएगा, इसीलिए अल्लाह ने रमज़ान का महीना दिया है कि महीना पावे और मारिए झाड़ू सारा गंदगी साफ़ हो जावे और एक बेहतरीन मुसलमान आप बन जाइए। बेहतरीन मुसलमान का मतलब ये है इस मुल्क में इस मिल्लत का भी काम करना है, मुल्क का काम करना है। हमारा इस्लाम मज़हब धर्म ये बताता है कि जिस मुल्क में आप रहते हैं मुल्क के कुछ हकूक हैं, उस राज्य में आप रहते हैं, जिस राज्य में रहते हैं यहाँ का भी कुछ हक है, इसके विकास है, इसकी तरक्की है, तो मुल्क को तरक्की भी देना चाहिए, विकास भी करना चाहिए, एक दूसरे अपने भाइयों को हम साथ में हेल्प भी करना चाहिए, समझे ना। दिल साफ होगा तो सब हम लोग भाई भाई मिलकर रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। रमज़ान में गले मिलते हैं मगर भाई का दिल साफ नहीं है, फ़ायदा नहीं होता। हाथ मिलाते हैं मगर दिल में गंदगी, फ़ायदा नहीं होगा। लिहाजा भाइयों से माफ़ कर दें, आप भी माफ़ करें, आप भी माफ़ करें, अल्लाह भी माफ़ करने के लिए तैयार हैं। और इस महीने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा ले जी, बहुत फ़ायदा उठे। रमज़ान का खास रोज़ा रखना चाहिए, अगर रोज़ा को नहीं छोड़ना चाहिए, अगर किसी ने जानबूझ के रोज़ा छोड़ दिया तो अल्लाह के हम हो सख्त मुजरिम होगा।